हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और विकास मोबाइल टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आपको आज ट्रैक का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं कि ट्रैक होता क्या है तथा ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आज के बाद कभी भी आपको ट्रैक के बारे में कोई भी यूट्यूब पर सर्च नहीं करना पड़ेगा। और आपने YouTube पर सर्च भी किया होगा लेकिन जैसा वीडियो आप चाहते हैं वैसा नहीं मिला होगा। तो चलिए, आज मैं आपको सारे डाउट क्लियर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये भी एक ऑन सेमीकंडक्टर होता है जो कि ट्रांजिस्टर ही होता है। ये हमारा ट्रांजिस्टर फैमिली से होता है। तो मैं आपको बता दूँ, आपके ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ नंबर एक पे, ट्रैक क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे ट्रैक को हम कहाँ पर यूज करते हैं, और तीसरे नंबर पे ट्रैक को कितने वोल्ट एवं कितने एम्पियर तक यूज कर सकते हैं, और नंबर चार पे ट्रैक को मल्टीमीटर से कैसे चेक करें। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको कि ये मल्टीमीटर से ट्रैक को कैसे चेक करना है। मैं आपको विद एक्सपेरिमेंट के फिर टेस्टिंग के दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो अपलोड होती रहती है मेरे चैनल पे। तो वीडियो लंबा ना हो, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ट्रैक का पूरा नाम ट्रॉयड फोर अल्टरनेटिंग करंट होता है। ये हमारा ज़्यादातर एसी सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं ट्रॉयड फोर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और दोस्तों, ट्रैक को हम निगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं, समझे आप। वो मैं आपको एक्सपेरिमेंट के अभी दिखाऊंगा कैसे हम इसे निगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों कंडीशन में कैसे यूज कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर प्रयोग लाइट डिमर का मतलब आप समझते हैं, लाइट को कम और ज़्यादा यानी डिम और हाई लो करते हैं ना, उसके बारे में लाइट डिमर एवं फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा हमारे बोर्ड में जो फैन कंट्रोल के लिए एक स्विच लगा होता है, उसमें सारा जो कुछ भी प्रोसेस होता है वो ट्रैक का ही होता है। चलिए, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एवं हम इसे एसी सप्लाई को स्विचिंग करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, अब मैं आपको विद एक्सपेरिमेंट के बताता हूँ। और ये है इसका सर्किट डायग्राम अंदर का। इसमें ट्रांजिस्टर की तरफ से तीन ही पिन होता है, लेकिन इसमें बेस कलेक्टर एमिटर नहीं होता है। बेस की जगह पर इसमें गेट होता है। जब हम इसमें स्विचिंग के दोनों वायर कनेक्ट करते हैं तो ये एसी सप्लाई को यानी कि विद्युत धारा को वहीं का वहीं कंट्रोल कर लेता है। अब हम जितना गेट पर रजिस्टेंस के थ्रो जितना हम इसे वोल्टेज देंगे ये उतना ही स्विचिंग करेगा। देखिए, मैं आपको विद एक्सपेरिमेंट के दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, मेरे हाथ में एक 97 ASIC, ये एक ट्रैक है दोस्तों, ये एक ट्रैक है। और आज मैं इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए, थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने कैमरा ऊपर कर लिया है और ये मैंने लिया एक एसी बल्ब जो कि हमारा 100 वाट का है। और ये लिए हमने इसकी स्विचिंग की जगह पर दो वायर, आप देख सकते हैं ये स्विचिंग का काम करते हैं। अब दोस्तों, हम इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देते हैं इस जगह पर। चलिए, मैं इन्हें जोड़ देता हूँ। दोस्तों, ये मैंने जोड़ दिए और अब इसे हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। अब देख सकते हैं आप, ये कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि इन दोनों को हम जॉइंट करेंगे तो ये हमारा बल्ब जल जाएगा। अब दोस्तों, हमें करना क्या है, ये हमारा टर्मिनल वन है और ये टर्मिनल टू है और ये हमारा गेट है। तो अब हमें करना क्या है कि ये टर्मिनल जो टू होता है ना, इससे हमें यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस देना है, रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे सप्लाई देना है, जिससे कि ये गेट इसका इधर से इधर सप्लाई को ओपन करेगा। ये उतना ही ओपन करेगा जितना इसे हम रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज देंगे। ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ये हमारा ज़्यादा बल्ब जलेगा, ठीक है। जैसे कि
फैन ज़्यादा स्पीड हो जाता है कम हो जाता है, और इसे कम देंगे तो कम जलेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि ये ट्रिगर, ये आप देख सकते हैं ये एक ट्रिगर है, ट्रिगर डायोड होता है ये, इसे यहाँ पे लगाएंगे। पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं इसे, तो मैंने ट्रिगर इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब इसे इसमें कनेक्ट कर देते हैं स्विचिंग के लिए। अब दोस्तों ये है एक मेरे पास ये है एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, तो इसे जैसे ही हम ट्रिगर से और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब हमारा ग्लो करेगा। देखिए मैं आपको अभी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं आप, सॉरी ये घूम गया है। देख सकते हैं ये जलना स्टार्ट हो गया। ये रेजिस्टेंस हमारा जितना कम होगा उसी के हिसाब से हम इसे अप डाउन कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का, जो हमारा 500 किलो ओम का है, इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ इसे ओपन करके, वरना फॉक लग जाएगा मुझे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि इस रेजिस्टेंस को हमें, ये जो हमारा 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम से 10 किलो ओम तक का हम इसमें ज़रूर यूज करेंगे, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस को जब हम बिल्कुल ओपन कर देते हैं, बिल्कुल कम कर देते हैं, तो ये बिल्कुल 0 ओम हो जाता है, जिससे ये सप्लाई डायरेक्टली इसमें जाएगी और ये फॉल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले इसे कनेक्ट करूँगा, चलिए आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने ये कनेक्ट कर दिया है, और अब हम इसे इसमें कनेक्ट करते हैं। अब हम इसे जैसे ही अप डाउन करेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा बल्ब कम है, और जितना ही रेजिस्टेंस ये हमारा ज़्यादा होता जाएगा, यानी रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, सॉरी, उतना ही ये हमारा ज़्यादा जलना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ओम की तरफ आएगा उतना ये ज़्यादा जलेगा, देख सकते हैं ये फुल जलने लग गया है। और इसे कम करने के लिए यही ओनली इतने ही कंपोनेंट हम बल्ब में, वो सॉरी फैन कंट्रोलिंग में यूज करते हैं, देख सकते हैं आप। और ये जो दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं ये जो अप डाउन कर रहा है ना, इसका एक रीजन है जिसमें आपको बताऊंगा कि ये एक PF लगा होता है। हमारा लगभग PF लगा होता है इसमें, शायद आपको बता दूं मैं, 683 के लेट पेट में लगा होता है। तो उससे क्या होता है कि वो ये जो अप डाउन कर रहा है ना, इसे कंट्रोल कर लेता है, यानी कि इसे शुद्ध कर देता है। तो चलिए अब इसे हम DC सप्लाई पे चेक करके दिखाते हैं आपको। तो इसे DC पे चेक करने के लिए आपको चाहिए एक ये बैटरी, जिसे आप 3.7 वोल्ट से 12 वोल्ट तक, 24 वोल्ट तक कौन सी भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरे हाथ में एक LED जो कि हमारा लगभग 3 वोल्ट का है, और इसे अब हम कनेक्ट कर देते हैं इसके किसी भी जंक्शन को, जैसे मैंने ये नेगेटिव वाला जंक्शन कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर इसके 1 टर्मिनल में हमने ये पॉजिटिव वाला कनेक्ट कर दिया, और ये बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट कर दिया,
अब आप देखेंगे कि जब हम इसके गेट को देख सकते हैं आप, अब ये हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं तो ये ओपन हो गया और ये स्विच ऑन हो गया हमारा। अब ये जलता ही रहेगा और इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे तो ये स्विचिंग ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों मैंने आपको जैसा बताया था कि नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों तरह से कार्य करता है, तो आपको दिखा देता हूँ मैं अभी। अब मैं एलईडी का ये प्लस वाला यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और ये नेगेटिव वाला मैंने ट्रैक से कनेक्ट कर दिया और ये बैटरी का यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों तरह से काम करेगा। जैसे ही हम इसे इन दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे ये हमारा एलईडी ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर की तरह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा कार्य करता है कि ये एलईडी ग्लो करती ही रहेगी। और अगर हम इसमें एक काम करें, जैसे कि इसके गेट पे हमें रेजिस्टेंस के थ्रू जो कम सप्लाई देना है तो वो भी कार्य करता है ये। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये लिया मैंने एक रेजिस्टेंस, देख सकते हैं 10 kΩ वाला ही रेजिस्टेंस है और इसको हम इसके गेट को सप्लाई देंगे ये नेगेटिव वाली, तो आप देख सकते हैं एलईडी हमारा बिल्कुल कम ग्लो करेगी। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ एलईडी हमारा ग्लो कर रही है लेकिन बहुत कम, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों यही था ट्रैक का टेस्टिंग और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है। अब दोस्तों ट्रैक को मल्टीमीटर से चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे सिलेक्ट सेट करना होगा। यह मैं देख सकते हैं आप सेट कर दिया हूँ और ये हमारा बीप मोड में आ गया है, देख सकते हैं आप। और दोस्तों इसके फर्स्ट टर्मिनल पे हम चाहे नेगेटिव प्रोब रखें या फिर पॉजिटिव प्रोब रखें, कौन सी भी रख सकते हैं, ये देखना आप, ये मैंने रख दी है और ये गेट पे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं हमें रीडिंग प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे लगाएंगे हम टर्मिनल 2 पे तो कोई रीडिंग प्राप्त नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं आप। और दोस्तों इसे बदलें फिर भी हमें रीडिंग प्राप्त होना चाहिए गेट पे फर्स्ट टर्मिनल पे, देख सकते हैं जैसा कि आप, और इस पे कोई रीडिंग प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें रीडिंग फो हो रही है 594 और इधर से हम पलटते हैं तो हमें रीडिंग प्राप्त हो रही है 591-92। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम गेट पॉइंट पे इसकी टेस्टिंग के बारे में, हम गेट पॉइंट पे कोई भी टर्मिनल रखेंगे, जिधर हमें रीडिंग फो होगी वही हमारा टर्मिनल बन होगा। ट्रैक का यही टेस्ट करने का बहुत सिंपल ट्रैक है, जिधर रीडिंग फो होगी वही हमारा टर्मिनल बन है, देख सकते हैं आप, इधर रीडिंग फो हो रही है ये हमारा टर्मिनल बन है। इसमें हमेशा बीच वाला गेट होता है, ट्रैक में प्रत्येक ट्रैक में बीच वाला ही गेट होता है और केवल हमें टर्मिनल बन पर ही रीडिंग फो होगी और दोनों तरफ से चाहे बदल के रख सकते हैं और टर्मिनल 2 पर कोई रीडिंग फो नहीं होगी। यह बहुत सिंपल टेस्टिंग है दोस्तों। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।